श्रावण माह के पवित्र सोमवार को राजधानी दिल्ली के यमुना विहार में महारुद्राभिषेक और संक्षिप्त शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन भारत तिब्बत समन्वय संघ की दिल्ली प्रांत उपाध्यक्ष साधना चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर गोंडा विधायक अजय महावर, यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, भारत तिब्बत समन्वय संघ से अरविंद केसरी, राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग तेजस चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महामंत्री कुणाल यादव, राष्ट्रीय महामंत्री रविकांत शर्मा, दिल्ली प्रांत अध्यक्ष प्रोमिला मलिक, प्रांत अध्यक्ष महिला विभाग पूनम बाबू आदि लोग मौजूद रहे। सभी को भारत तिब्बत समन्वय संघ की दिल्ली प्रांत उपाध्यक्ष महिला विभाग साधना चौधरी एवं उनकी टीम द्वारा पटका उठाकर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं सभी ने भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह ने कहा कि BTSS द्वारा दिल्ली से लेकर पूरे देश में चलाई जा रही तिब्बत तथा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की मुहिम को आगे बढ़ाने का हम सभी कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिला बहनों ने हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण की है और हमें पूरा भरोसा है कि साधना चौधरी के नेतृत्व में ये सभी आगे काम करेगी। वहीं गोंडा विधायक अजय महावर ने भी संगठन की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से भारत तिब्बत समन्वय का ये जो कार्यक्रम है, मैं बधाई देता हूँ साधना चौधरी जी को, जिनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को रखा है। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। BTSS जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है, पूरे देश भर में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख संकल्प कराने की एक टारगेट रखा हुआ है। उस टारगेट के अंतर्गत जो हमारा सावन मास 2 महीने का पड़ रहा है, एक अधिमास और एक सावन का, तो उस 2 महीने में हम लोगों ने 1.5 लाख संकल्प कराने के लिए प्रयासरत हैं और उसमें हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त कर ली है। लगभग हमारा इस सावन मास में 1 लाख के संकल्प कराने का वो प्रण लिया हुआ है हम लोगों ने और लगभग हम मंजिल तक हैं। और हमने ये संकल्प इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि हमें भोलेनाथ जी के, एक्चुअली लोगों को, खासकर युवाओं को, बच्चों को ये बताने के लिए कि हमारे भोलेनाथ जी का मूल स्थान कैलाश मानसरोवर है और वो चीन के कब्जे में है, तो इस आज़ादी की जंग में हमारे साथ वो भी शामिल हो। खासकर युद्ध को हम जागृत करना चाहते हैं, बच्चों को जागृत करना चाहते हैं, बच्चों को अपने भोलेनाथ जी के बारे में बताना चाहते हैं। आज यहाँ पर हम यमुना विहार में साधना जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा रुद्राभिषेक का और संक्षिप्त से पुराण का प्रोग्राम रखा था, जहाँ पर यहाँ पर विधायक जी भी आए हुए थे और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने भी वहाँ पर हम सब ने मिलकर संकल्प किया और जितनी भी बहनें थी यहाँ पर, जितनी भी महिलाएँ थी, सब ने दिल खुश होकर यहाँ पर संकल्प में साथ दिया। मैं बहुत खुश हुई यहाँ पे कि आके कि लोगों के अंदर अभी भी लगता था कि नई आस्था खत्म होती जा रही है, पर भगवान की, भोलेनाथ जी की आस्था सबके अंदर है। संकल्प को जानते भी नहीं थे पर उन्होंने संकल्प को बड़े खुशी से संकल्प लिया हमारे साथ। मैं तो सभी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना प्रेम और सम्मान दिया यहाँ आके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, क्या मकसद था आपको? मकसद ये है, एक तो सावन मास चल रहा है ये है, लेकिन आज का युद्ध है कि भटक रहा है, जो पिछले है, पुराने पूर्वज हैं, चाहे हम हैं, तो हम धर्म को पहचानते हैं तो हम मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम का मेन मकसद है कि बच्चे देखें। BCN न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।